नंदीग्राम में तृणमूल की शिकायत, मैं सेवकों के शब्दों का उत्तर नहीं दूंगा। मैंने उनका मालिक खो दिया, जनता का फैसला अंतिम है। सेवकों की रीढ़ नहीं होती, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब वे नबन्ना कहते हैं तो वे दौड़ते हैं, तो मैं उनकी बातों का जवाब क्यों दूं? कार खोज, विदेशी धन होने पर आय की जांच की जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि वीडियोग्राफी में मजिस्ट्रेट की तलाशी ली जाए, अगर उपलब्ध नहीं है तो लोगों से माफ़ी मांगे। अगर हम कहें कि शांति निकेतन में पैसा है तो उसकी भी तलाशी करनी होगी। आईपीसी सभी के लिए एक है। आर्थिक स्थिति, राज्य पुलिस को 10,000 करोड़ रुपए सौंपने को कहा गया है। दिसंबर से मेरा भुगतान नहीं कर सकता। अगर कर्मचारियों की ओर से डीए खुद आता है तो यह आपदा होगी। यह सरकार दिवालिया सरकार है। डेंगू, सरकारी कार्रवाई नहीं होने से डेंगू बढ़ रहा है। पुलिस क्या फायरिंग करेगी, ये कहना है तृणमूल का। ऐसा नहीं देखा गया कि अरुणिमा पारे किसी को काट रही है। अरुणिमा के दांत पुलिसकर्मी के शरीर को छूते हुए कहीं नहीं दिख रहे। मैंने उन्हें नवन अभियान के दिन देखा था। मैंने कहा मेरे शरीर को मत छू, लेकिन उसने काटा नहीं, क्योंकि वह जानती है अरुणिमा गांव की लड़की नहीं जानती। समय एक आपदा होगी, अगर यह 8 से ऊपर है तो यह कांपेगा और कांपेगा। एक नाम है, इनको इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, किसने किया? छिरिंगदाल। छिरिंगदाल चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी भी रहे। छिरिंगदाल ने अपॉइंटमेंट किया, तब उस वक्त वो क्या थे, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड दार्जिलिंग की प्रेसिडेंट रही थी। अब इसको किसने नियुक्ति दिया? अगर ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है तो इस लेटर उसी कैंडिडेट को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने कैसे नियुक्ति दिया? अगर ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है तो यहाँ से नियुक्ति पत्र कैसे गया? अगर ये यहाँ से नियुक्ति पत्र गया हुआ है तो इसके ऊपर पहाड़ पर जांच होना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और इसके ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है, जिससे ये जुड़ जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का आया हुआ निर्देश, ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी ब्रांच विकास भवन से लेकर गया हुआ है। किस बारे में? 313 वॉलंटियर टीचर लेने के बारे में, 59 वॉलंटियर टीचर लेने के बारे में। तो नियुक्ति कोलकाता से हो रहा है, और जब इस पर में जांच की हम मांग करते हैं तब बोला जाता है कि जीटीए का ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये इससे बड़ा धंधा और विद्यार्थियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये खिलवाड़ ये नहीं हो सकता है। अगर शिक्षक पैसा देके बनने लगे, रिश्वत देके शिक्षक बनने लगे, और पार्टी के झंडा पकड़ने वाले पीछे पीछे चलने वाले लोग भी शिक्षक बनने लगे, तो ये समाज तहस नहस। आज ये सिचुएशन पहाड़ पे आया हुआ है। पितिश हमारे माइक टेक पे दिखे माच करने दिए तो भाई पितिश आगे आगे मिलाएं। नहीं नहीं माइक स्पीकर महोदय के यहाँ गया था, आज नहीं कल मैं स्पीकर के ऑफिस में गया था। मैंने उनको कहा कि जब भी हम स्टैंडिंग कमेटी में पहाड़ की बात उठाते हैं, कोई भी करप्शन के, जैसे अभी वहाँ पर पीएमजीएसवाई पर करप्शन है, ये जल जीवन मिशन पर करप्शन है, किसी भी चीज की बात हम स्टैंडिंग कमेटी में उठाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी मुझे कहता है कि ये तो जीटीए का सब्जेक्ट है, हमारा नहीं है। तो मैं चुन के कहां से आया हूं? मैं एजुकेशन का बात उठा रहा हूं, ये जीटीए का सब्जेक्ट है, तो मैं चुन के कहां से आया हूं? तो क्या इसका मतलब जीटीए बंगाल से बाहर है? अगर बंगाल के अंदर है तो इसके ऊपर जांच क्यों नहीं होती? तो इसीलिए इस मामले पर हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया पर जाना चाहते हैं, ये मैं सबको बता देना चाहता हूं। আমি নিজে কোনো অভিযোগ করি, অভিযোগ করিনি মানে ছেলেটার আইডেন্টিফাই হয়েছে, আমার লোকরা করেছে। ও বাবা অসুস্থ, শঙ্কর মাইতি, ছেলেটা ড্রাগ নেয়, ছেলেটা ড্রাগ দেয়, এবং আমার প্রাথমিক যা মনে হয়েছে ড্রাগ অ্যাডিকশনে ভুলে চলে গেছে হলদিয়া থেকে বেরিয়ে। আমি খোঁজ নিয়েছি, আমি কোনো লিখিত অভিযোগ করি না। আমার এইসব ক্ষমতা দেখানো অহেতু, মিডিয়া পাবলিসিটির মধ্যে আসা, এবং সত্যাসত্য চক্রান্ত কনস্পিরেসি তো থাকেই, সে থাকলে তার জন্য আমার একাধিক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে দু মাসের মধ্যে।
আমাকে কিছু করতে হয়নি, পাবলিক জনস্বার্থ মামলা দিয়েছে। 21 নভেম্বর আবার তার ডেট আছে, পাবলিককেই বুঝে নিবে, কারণ আমি রিপ্রেজেন্ট করছি পশ্চিমবাংলার সব অত্যাচারিত নিপীড়িত শোষিত অপোজিশনের সমস্ত জনগণকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, তারাই আমার প্রোটেক্টর। আমার কিছু ঘটলে তারাই ব্যবস্থা নেবে, তারাই প্রোটেকশন দেবে। এখানে ইন্ডিভিজুয়াল শুভেন্দু অধিকারীর জন্য হাম জো আজ বাতায়া ইয়া 1086 করোড় কা এক বিগ স্ক্যাম বঙ্গাল মে হুয়া ফেরল বলবে বলকে এক পার্ট দেউলিয়া হয়ে যায়নি, যে দুটো একটা কাপড়ে রাত্রি 12টা 1টার সময় আগুন লাগাতে হবে, তাও প্রোগ্রামের পরে তো বোকা বোকা ব্যাপার হচ্ছে না, বোকা বোকা ব্যাপার, এসব ড্রামা কাজ করবে না। এই যে পা ভাঙার ড্রামা করেছিলেন, আমি তো বারবার বলি আপনার এক্সরে প্লেটটা মুখ্যমন্ত্রী দেখান না, আপনার এমআরআইটা দেখান না পিজি হসপিটালে, পিজি হসপিটালে একটা ডাক্তার তো কত কয়েকদিন আগে বলে দিয়েছে ফ্র্যাকচারই ছিল না। তা আপনার পা ভাঙা, যার যে পার্টির নেত্রী মালিক পা ভাঙার ড্রামা করেন, তার এক্সরে প্লেট এমআরআই প্লেট কেউ দেখতে পায় না, সে পার্টির লোকরা এসব ড্রামা মিথ্যা কথা বলবে টিকে থাকার জন্য? তো এতে কিছু করতে পারবে না।